अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कोई सवाल किसी का? सर कैसे हैं आप? ये शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सर आपकी आवाज ना लो हो गई है सर। अभी आ रही है? जी सर, आप बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्लास में हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को थ्रेटिकली स्टडी कर लिया था। इसमें कोई सवाल किसी का अगर है तो आप पूछ लीजिए। नो सर, कैसे अच्छा, आज मैं ऑफिस से अभी डिलीवर कर रहा हूँ लेक्चर। इसमें आपको मैं इम्प्लीमेंटेशन कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अभी ऑफिस के सिस्टम पे ना ये इन्वायरमेंट नहीं इंस्टॉल किया हुआ मैंने पाइथन का कोई भी, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक करूँगा। तो अभी जो मैं कोड एक्सप्लेन करूँगा वो फिर मैं वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? तो वो कोड आपको मैंने भेज दिया हुआ या नहीं भेजा अभी? नहीं सर, अभी नहीं भेजा। लीनियर रिग्रेशन का ये इसका लॉजिस्टिक का नहीं अभी। चलिए, मैं कोड भी आपको भेज दूंगा आज के लेक्चर के बाद, ये आपने चला के देखना है। लेट्स वेट फॉर द स्टूडेंट्स टू ज्वाइन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। स्क्रीन शेयर हो रही है स्लाइड शो की? यस सर, शो हो रही है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन सर, इम्पोर्ट एमपीएस पॉइंट शो हो रहा है सर। ठीक है। तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ये ग्राफ शो हो रहा है सर? यस सर, हो रहा है। अच्छा, इसमें हमने ये सीखा था कि जब डेटा पॉइंट्स इस तरह से प्लॉट हो रही हो कि दो एक्सट्रीम्स पे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं काफ़ी सारे और दरमियान में कुछ एक ट्रेंड सा है, तो इस तरह का जब डेटा का हमारा से डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को जो बेस्ट कैप्चर कर सकती है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर सकती है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी एक रिग्रेशन लाइन ही होती है जो कि हम इस तरह के डेटा नहीं। को कैप्चर करने के लिए ड्रॉ करते हैं। तो अगेन इसमें भी हमने फिर इसको फिर हम क्या कर लेते हैं कि ये लाइन एक्चुअली अगर हम और थोड़ा पीछे जाएं तो इट्स लाइक दिस। अगर हम आम सिंपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करेंगे तो लाइन इस तरह की होगी। इस लाइन को फिर हम मोल्ड करने की कोशिश करते हैं और कुछ इस तरह ऐसी लाइन लगाते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैप हो जाए और 0 और 1 की प्रोबेबिलिटीज़ में उसे कन्वर्ट कर दें। इसकी सारी ये अंडरलाइंग थ्योरी और मैथमेटिक्स, कुछ बेसिक्स है मैथमेटिक्स विद द हेल्प ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो अब आज की क्लास में हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है पाइथन में। तो ये एग्जांपल डेटा सेट है। इस डेटा सेट में हमें एज, जेंडर, यूज़र आईडी, एस्टिमेटेड सैलरी और एक एसयूवी, जो गाड़ी होती है 7 सीटर, उसको कोई परचेज कर रहा है उसकी ऑफर की बेस पे या नहीं कर रहा है। एक गिवन ऑफर उस पे लगी है तो उस ऑफर के मुताबिक कौन लोग इसे परचेज कर रहे हैं और कौन लोग इसे परचेज नहीं कर रहे।
तो नेचुरली एसयूवी परचेज करने के लिए सैलरी भी बड़ी होनी चाहिए, और बड़ी सैलरी के लिए बंदे की उम्र भी ज्यादा हो जाती है ना? फौरन फौरन तो नहीं, बड़ी सैलरी लग जाती। अरकम आया हुआ? नहीं फौरन फौरन तो नहीं ना लगती बड़ी सैलरी? सर। तो फिर उसमें हमें कुछ वक्त लग जाता है, तो वो वक्त ही ये ग्राफ जो एक्चुअली ये, अगर मैं वापस उस ग्राफ पे जाऊं, ये ग्राफ एक्चुअली यही शो कर रहा है कि एज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है और सैलरी, आवाज नहीं आ रही। जैसे जैसे एज बेहतर हो रही है और सैलरी बेहतर हो रही है, वैसे वैसे इसको खरीदने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। तो इसका ये कोड है, मैं भी जो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया मैं बता दूं कि मैं ऑफिस से आज का लेक्चर ले रहा हूं, तो इस पे अभी पाइथन का एनवायरनमेंट इंस्टॉल नहीं है, तो मैं इस कोड को चलो, सिंपली, आपकी बॉल नहीं आ रही बिल्कुल हेलो, सर। सबको ही हल्की नहीं आ आ रही है, रही? आ रही आ है। रही है मैंने तो सर। हेडफोन लगाया हुआ और बिल्कुल माइक जो है उसका, दैट इज वेरी क्लोज टू माय माउथ। सिस्टम को वॉल्यूम सब देख लें। बहुत कम आ रही है? कम आ रही नो है सर। सर। सर आप सही हो गया। वो पिछले दिनों ना वो एक किसी ने शेयर किया हुआ था जोक, वो जोक ये था कि ऑनलाइन आपकी मीटिंग हो रही है, तो उसमें लोग आपको कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, तो आप देखते हैं कुछ देख ही रहे होते हैं अभी कि क्या करना है, तो फिर आवाज आ जाती है कि अब ठीक आ रही है, तो वही वाला नहीं हिसाब है। नहीं सर, वो सर पता आपने है माइक कि पास किया हुआ है? रिकॉर्डिंग में ना आपकी आवाज फिर बिल्कुल ही लो होती है। जब रिकॉर्डिंग अच्छा, देख उसमें बहुत ही ज्यादा लो होती है। इसमें तो फिर गुजारा हो जाता है, उसमें बहुत लो होती है। को एम्पलीफायर लगा लिया करें फिर। और सर वो फिर स्पीकर ही लगाने पड़ते हैं बड़े अच्छा मल्ला सुनते अच्छा पूरा। सो VLC में वॉल्यूम 200 पे चला जाता है, वो यूज करिए मैंने। हाँ अच्छा, अभी आ रही है बिल्कुल सही? अभी सही जी आवाज आ रही सर। है? ओके गुड। तो ये हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे हैं, वही हमारी कन्वेंशनल 3 लाइब्रेरीज। इस फाइल का नाम जो अभी हम देख रहे थे जिसमें डाटा दिया हुआ था, एज और सैलरी और बाकी सारी चीज़ें, और परचेज कर रहा है कोई या नहीं कर रहा, उस फाइल का नाम क्या है? सोशल नेटवर्क एड्स डॉट CSV। ये फाइल हमने इम्पोर्ट कर ली। अच्छा, वापस जाएँ तो इस फाइल के अंदर कितने कॉलम्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 कॉलम्स हैं, ठीक है? तो इन 5 कॉलम्स में से हमने चूज करने हैं कि हमने किन कॉलम्स को डिसीजन मेकिंग पैरामीटर के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो आईडी का तो कोई सेंस नहीं बनता, आईडी तो एक इरेलीवेंट सी चीज़ है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए देने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेंडर कैन बी वन पॉसिबल से फैक्टर, एज इज अनदर फैक्टर, एंड एस्टिमेटेड सैलरी दैट इज येट अनदर फैक्टर। तो ये 3 पॉसिबल फैक्टर्स हैं जिनको कि हम ऑन बोर्ड कर सकते हैं इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और इनका फॉर एग्जांपल फीमेल ये है और इसने परचेज किया है अच्छी सैलरी पे, और इसी तरह ये मेल है और इसने काफ़ी कम सैलरी पे भी हिम्मत कर ली है इस फीमेल की निस्बत, है ना? तो फीमेल की बहुत ज़्यादा सैलरी है तो उसने परचेज किया, अदरवाइज उसने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल है और इसका 80,000 है एंड शी स्टिल डिड नॉट ऑप्ट फॉर दिस ऑफर। 150,000 पे दिस फीमेल हैज़ ऑप्टेड फॉर इट, और ये जो है 25,000 पे ही मेल जो है उन्होंने परचेज करना शुरू कर दिया। सो जेंडर इज़ अ गुड फैक्टर टू से मेक अ डिसीजन अबाउट इट। इसी तरह ऑब्वियसली एस्टिमेटेड सैलरी और एज, ये दोनों भी मैटर करते हैं। 0 और 1 का मतलब है कि वो परचेज करना है या नहीं। वंस अगेन कॉलम्स को गिने, अगर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 कॉलम्स आर देयर। सो इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, ऑल रोज, इसका मतलब क्या होता है हम पहले भी पढ़ा हुआ है ऑल रोज, और ये हम कॉलम्स की दफा हमने क्या कहा है 2 और 3, सर इसने जेंडर नहीं लिया। जेंडर नहीं लिया, ठीक है? ले लें तो मेरे ख्याल में बेहतर बात हो जाएगी।
तो 1 3 कर देते तो ज़्यादा शायद और बेहतर हो जाए हमारा रिजल्ट। एनीवे ये तो एक छोटी सी चीज़ है जो कि आप खुद भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो वो सब सही हो जाएगा। और जिस तरह कन्वेंशनली हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि हमारा जो डाटा है फाइल के अंदर वो इस तरह का होगा कि लास्ट कॉलम जो है वो हमारा प्रिडिक्शन वाला कॉलम होगा, तो लास्ट कॉलम जो है वो यहाँ पे 0 और 1 वाला वो वाई के अंदर आ गया। तो ये एक्स और वाई में हमने इसको डिवाइड कर लिया अपने प्रीवियस नॉर्म्स के मुताबिक। अच्छा, अब ये है कि हमने इस एक्स को और वाई को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करना है, तो उसके लिए एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट और वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ये 4 चीज़ें हमने बनानी होती हैं। तो उसके लिए अगेन ये हमारा जो टेम्पलेट का कोड है वो एज इट इज़ इस्तेमाल हो रहा है। तो इस एक्स और वाई को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हम रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इस टेस्ट साइज का क्या मतलब है, 0.25 का क्या मतलब है? 25%। यस, तो इसमें इस फाइल के अंदर 100 रिकॉर्ड्स हैं, तो उसमें से 25 रिकॉर्ड्स जो हैं वो रैंडमली चूज होके वो टेस्ट साइट पे चले जाएंगे। और ये क्योंकि ये इसने 2 हिस्सों में स्प्लिट होना है तो हम टेस्ट साइज का हिस्सा दे देते हैं, तो टेस्ट साइज 25% है, दैट इफेक्टिवली मीन्स 75% हमारा ट्रेनिंग सेट है। तो ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में ये इस तरह से एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट और वाई ट्रेन वाई टेस्ट में 75 और 25% ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में रिस्पेक्टिवली वो डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज के अगर वापस जाके इसे देखें तो एज, ये 2 कॉलम्स हमने लिए हैं, एज और एस्टिमेटेड सैलरी। तो इन कॉलम्स के अंदर से अगर हम देखें तो एज छोटे छोटे नंबर हैं और सैलरी थाउजेंड्स और इवन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में हमें नज़र आ रही है, जबकि एज जो है वो समवेयर बिटवीन 20 एंड से 60 हमें नज़र आ रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये एज इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर और एस्टिमेटेड सैलरी इज़ अ कंपैरेटिवली वेरी लार्ज नंबर। तो जब इस तरह हमारा डाटा की सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं, स्केलिंग करते हैं। तो स्केलिंग करने से क्या हो जाता है कि से -1 और 1 के दरमियान या 0 और 1 के दरमियान जिस तरह की भी स्केलिंग हम चाहते हैं उस तरह की कर लेते हैं, तो हमारा डाटा पॉइंट्स सारे कॉलम्स इंडिविजुअली स्केल डाउन होके एक रेंज में आ जाते हैं, या समटाइम्स अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज हों तो स्केल अप होके एक गिवन रेंज में वैल्यूज आ जाती हैं, विच इज़ अगेन अ गुड प्रैक्टिस इन द सेंस कि कोई भी ओवरवेलमिंग एट्रीब्यूट ना बन सके। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर, कि स्टैंडर्ड स्केलर को इम्पोर्ट किया है और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट दोनों को हमने क्या कर दिया, स्केल कर दिया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, ये अगेन ये वाली चीज़ जो है स्केलिंग की, इसके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने इसके डिफरेंट वेरिएंट्स देखे हैं। एक तो ये है कि आप स्केलिंग एक्सप्लिसिटली करते हैं, पहला पहली बात यह है कि डाटा को देख के ये डिसीशन किया जाता है। अगर डाटा से उसी तरह दोनों की रेंजेस मोरलेस सेम है और जो एट्रीब्यूट्स आपने चूज़ किए हैं इस केस में उनकी रेंजेस सेम नहीं है, तो फिर हमें स्केलिंग कर लेनी चाहिए। पहला डिसीजन पॉइंट ये है, जनरली रेंज सेम नहीं होती, बहुत ही रेयर है कि कॉलम्स की रेंजेस सेम हो, तो हम स्केलिंग उस सूरत में करते हैं। जब हम स्केलिंग करते हैं तो फिर अगली चीज़ क्या आ जाती है हमारे पास, कि स्केलिंग समटाइम्स, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंसिडरेशन के लिए वो ये है कि समटाइम्स स्केलिंग जो है वो मॉडल्स में ऑलरेडी बिल्ट इन होती है, ठीक है। तो कुछ मॉडल्स जैसे लीनियर रिग्रेशन के अंदर स्केलिंग ऑलरेडी एम्बेडेड थी, तो उसमें हमें एज सच उसकी स्केलिंग एक्सप्लिसिटली हम नहीं भी करेंगे, तो वो मॉडल जब डाटा उठाएगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बाद तो वो उसको खुद ब खुद पहले स्केल करेगा और उसके बाद फिर मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन उस पर करेगा। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर फीचर स्केलिंग एक्सप्लिसिटली हम नहीं करते
तो उसकी वजह समटाइम्स ये होती है कि मॉडल के अंदर जो मॉडल की क्लास की इम्प्लीमेंटेशन है वो इनहेरेंटली इस चीज़ को ऑलरेडी कर रही है, तो फिर भी हमें एज सच एक्सप्लिसिटली फीचर स्केलिंग की ज़रूरत पेश नहीं आती। इस केस में हमने इसको ऑप्ट किया है और हमने इसको एक्सप्लिसिटली फीचर्स को स्केल कर दिया। अच्छा, उसके बाद अगेन थ्रेटिकली तो हमने इसको काफ़ी डिटेल में देखा, लेकिन अमूमन हमने ये देखा है कि 3 से 4 लाइनों में हमारा ये जो पूरा का पूरा कोड है मॉडल का वो हम लिख सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, कि इसने पूरे इम्प्लीमेंटेशन जो भी लीनियर रिग्रेशन की लाइन इसने ड्रॉ करनी है वो लाइन ये खुद इस डाटा को लोड करके वो ड्रॉ करना शुरू कर देता है। सो इसने लॉजिस्टिक रिग्रेशन की क्लास इंपोर्ट की है और क्लासिफायर को लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर इसने विद दिस पैरामीटर इम्प्लीमेंट किया है, और उसके बाद जो मेथड है वो हम पहले रिग्रेसर का, रिमेम्बर यहाँ पे हम रिग्रेसर पहले लिखते थे, इस दफ़ा हमने क्या लिखा है क्लासिफायर। क्लासिफायर तो अगर हम यहाँ रिग्रेसर लिख दें तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा सर, क्यों? हाँ, ये तो वेरिएबल नेम नहीं है, वेरी गुड, ये एक वेरिएबल का नाम पर है। क्यों काम कर रहे हैं? मैंने कहा क्यों छेड़ रहे हैं? मैंने कहा कई लोग मेरी तरह के भी होते हैं ना, देर से मैं खुद समझ सोच ही आती पड़ गया हूँ, मैं कहा है है। तो ये यहाँ पे एक्स लिख दें, वाई लिख दें, जेड लिख दें, उससे कोई जी, फर्क कोई नहीं फर्क पड़ता। नहीं पड़ता। ये आगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो ये हमने इंपोर्ट की है क्लास, ये इस क्लास के ने जो भी रिटर्न करना है यहाँ पे वो इधर आ जाना वो है। तो वेरिएबल इधर में रिग्रेसर स्टोर लिख दें, क्लासीफायर लिख दें, कुछ भी लिख दें, डजेंट मैटर। तो हमने इसको सेमेंटिकली रिच करने के लिए ऑब्वियसली हम अच्छे वेरिएबल नेम्स रखने की कोशिश करते हैं, तो उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पे क्लासीफायर लिख दिया। इट्स वेरी राइटली सेड कि ये एक वेरिएबल का नाम है। तो क्लासीफायर डॉट फिट करेंगे तो, और एक्स ट्रेन वाई ट्रेन ये दो चीज़ें दे देंगे कि ये ट्रेनिंग है और ये इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, तो आप इसकी लाइन जो है वो ड्रॉ करें, यही वाली जो भी हमने देखी लीनियर रिग्रेशन की, इसके सॉरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? नौ सौ। प्रिडिक्शन अच्छा, अगली चीज़ है फिर हमने प्रिडिक्शन करनी है। तो ये वाई अंडरस्कोर प्रिडिक्ट जो है वो हमने एक वेरिएबल रखा है, और क्लासिफाई डॉट प्रिडिक्ट हमने वही जो ऑब्जेक्ट अभी थोड़ी देर पहले बनाया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उसकी मदद से हमने प्रिडिक्ट किया, और उसके अंदर पास क्या करेंगे फिर एक्स टेस्ट, जो टेस्ट वाला पोर्शन है वो पास करेंगे। वाई टेस्ट किस काम आएगा? मैं पूछता हूँ किसी से और वो बताए। अली रजा हैदर, ये वाई प्रिडिक्ट में क्यों आ रहा है, वाई टेस्ट में क्यों नहीं आ रहा? समझ आई क्या? अली रजा हैदर ने माइक ऑन करके ऑफ किया, किसी को समझ भी आई है? हेलो सर, आवाज आ रही है? नो सर, जी, जी सर, यार ये बड़ी परेशान कुन बात है। सवाल, अच्छा 90% केसेस में ये होता है किसी बच्चे से सवाल पूछे ना, पर्टिकुलरली ऑनलाइन क्लासेस में, सवाल मैंने कर दिया, सवाल करके मैंने एक स्टूडेंट का नाम लिया है कि अली रजा हैदर बताएं, तो अली रजा हैदर माइक ऑन करके पहली बात क्या करेंगे? कहेंगे हाँ जी सर, हाँ जी, तो कैसी है जो करना है, आप बताएं, अब जवाब बताएं। सर ये अभी सर समझ नहीं लगी थी, तो फिजान वाई सईद, टेस्ट। चलें फिजान सईद से पूछते हैं, अब जी, बताएं जी। वाई प्रेडिक्ट वाला ही हाँ, सर, वो एक्स टेक्स्ट की वैल्यू प्रेडिक्ट करेगा ना, तो वाई टेस्ट का क्या करें? वाई टेस्ट की जगह हमने वाई प्रोडक्ट में उसको स्टोर करवा लिया ना, तो उस वाई टेस्ट को क्यों, वेरिएबल
वाई टेस्ट का क्या काम है पूरी दुनिया में? सर वाई टेस्ट ही नीचे यूज हो रहा है ना कंफ्यूजन मैट्रिक्स में, तो इधर इधर क्या वाई काम है प्रेडिक्ट इसका, के साथ। इसका क्या मतलब है? वाई टेस्ट में क्या वैल्यूज आ रही हैं और वाई प्रेडिक्ट में क्या वैल्यूज आ रही हैं? वाई ट्री प्रेडिक्ट के अंदर एक्स टेस्ट की वैल्यूज आ रही है ना क्लासिफाई होके, जो टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, प्रेडिक्टेड जो वैल्यू है। यार ये सारे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ये अगर ये इंतहाई मुझसे ज़्यादा बुनियादी बात है और हम बहुत ज़्यादा दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ये जो वर्टिकल स्प्लिट है इसका नाम क्या है? एक्स और वाई, और ये क्या है? ट्रेनिंग, और ये क्या है? टेस्ट। जो भी हमने बात की, हमने क्या किया था इसमें अली रज़ा हैदर, हमने कितने परसेंट पे कितने परसेंट ट्रेनिंग डाटा लिया था और कितना परसेंट टेस्ट डाटा लिया था? सेवेंटी फाइव परसेंट ट्रेनिंग और 25% 75% टेस्ट। ट्रेनिंग था। हेलो जी जी ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो 75% ट्रेनिंग था। अब ट्रेनिंग के दो पार्ट हैं, ये हमारे फर्दर जो आगे कॉलम्स से, इनमें एक क्या था? एज, और एक था सैलरी। वाई में क्या था कि वो उसे परचेज करेगा या नहीं करेगा, तो ये हमारे कॉलम्स है। तो ये जो दो कॉलम्स हैं लेफ्ट साइड वाले, ये क्या हैं? ये वो कॉलम्स हैं जिनकी बेस पे हमने मॉडल को ट्रेन करना है। तो ये जो ट्रेनिंग वाला पोर्शन है ये अपनी जगह इस्तेमाल होता है। फिर जब हम टेस्टिंग करते हैं तो फिर टेस्टिंग के अंदर हम ये डाटा सिर्फ पास करते हैं। इस जगह पे जो वाई प्रिडिक्ट क्लासिफायर के अंदर एक्स टेस्ट पास हो रहा है और उसका जो आंसर आ रहा है वो किस में जा रहा है? वाई प्रिडिक्ट में। तो वाई प्रिडिक्ट एक अलग तीसरा वेरिएबल बन रहा है मेमोरी में। ये एक्स, ये वाई, ये इसका ट्रेनिंग पार्ट है, ये टेस्ट पार्ट है। तो वाई टेस्ट, ये वाला पोर्शन वाई टेस्ट है। ये क्या है? वाई टेस्ट। और ये एक नया वेरिएबल बन रहा है ये यहाँ पे, इसका क्या नाम है? वाई प्रिडिक्ट। ये वाई प्रिडिक्ट वो है कि जब इसको इतने पोर्शन को, ये हमारा मॉडल था जो कि काम कर रहा है, ठीक है, इस मॉडल को हम ये डाटा इनपुट देते हैं, टेस्टिंग डाटा, ये इसके ऊपर जो आउटपुट निकालता है वो हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। ये कौन सी आउटपुट है जो के मॉडल ने दी है, और ये क्या है? ये वाला पोर्शन सर वाई टेस्ट जिसका क्या मतलब है, ये क्या डाटा है जो एक्चुअली आना चाहिए था? एक्चुअली आना चाहिए। इस रिकॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आनी चाहिए थी, इस रिकॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आनी चाहिए थी, इस रिकॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आनी चाहिए थी। और ये जो तीन वैल्यूज हैं ये कौन सी हैं? कि इसने इस रिकॉर्ड के मुताबिक ये वैल्यू प्रिडिक्ट की, दूसरे रिकॉर्ड के मुताबिक ये वैल्यू प्रिडिक्ट की, और तीसरे रिकॉर्ड के मुताबिक ये वैल्यू प्रिडिक्ट की। तो मॉडल क्या कर रहा है? वो वाई प्रिडिक्ट में आ रहा है। एक्चुअली होना क्या चाहिए? वो किस में है? वाई टेस्ट में। तो अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या चीज़ सामने आएगी? ये वाई टेस्ट में क्या पड़ा हुआ है? एक्चुअल आउटपुट जो आनी चाहिए, एक्चुअल या एक्सपेक्टेड आउटपुट। और ये वाई प्रेडिक्ट में क्या पड़ा हुआ है? मॉडल की आउटपुट। ये बात समझ आई है सबको? हेलो हेलो। यस सर आ गई आ गई। इसका मतलब है इन दोनों को कंपेयर कर लेना तो हमारे मॉडल की कितना वो बेहतर काम कर रहा है, ये बात हमें समझ आ जाएगी। तो
ये सुपर इम्पोर्टेंट, असल में ये कोई चीज़ हम नई नहीं कर रहे, ये अभी तक हमने जितने भी मॉडल्स इम्प्लीमेंट किए उन सब में हमने इस चीज़ को एवेल्यूएट किया हुआ है, ठीक है, और इसी तरह से किया हुआ है। अब आगे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, जो क्लासिफिकेशन है ना, जो रिग्रेशन वगैरह थे उसके अंदर हमने आर स्क्वेर्ड देखा था, सबसे सोफिस्टिकेटेड मेजर क्या था, आर स्क्वेर्ड। हम शुरू हुए थे सम ऑफ स्क्वेयर से, और उसके बाद फिर हमने आर स्क्वेर्ड वैल्यू पे गए, उस पे गए थे आर पे, और फिर एडजस्टेड आर स्क्वेर्ड। एडजस्टेड आर स्क्वेर्ड जो था वो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड हमारे पास मेजर था एवेल्यूएट करने के लिए, ठीक है, ये याद है ना सारा, हमने वो डिस्कशन की थी। लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन में आते हैं तो क्लासिफिकेशन में कोई हम वैल्यूज की फॉर्म में नहीं से देख रहे, ये दो क्लासेस हैं, आइदर ही इज गोइंग टू परचेज और ही इज नॉट गोइंग टू परचेज, राइट। तो अगर वैल्यू आ रही है 0.94, तो 0.94 को हम क्या कर देते हैं, वी टुक इट देयर एंड वी मैप इट टू 1, दैट इफेक्टिवली मीन्स के ही इज गोइंग टू परचेज इट। और वैल्यू अगर आ रही है 0.21, तो वी ड्रैग इट डाउन टू 0, वी से इज नॉट गोइंग टू पास, मतलब वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेजिंग इट, सो वी ड्रैग इट डाउन टू 0। सो व्हाट वी इफेक्टिवली आर डूइंग इज द फॉलोइंग, दैट वी आर आइदर प्रोजेक्टिंग एनी प्रिडिक्टेड वैल्यू टू 1 और वी ड्रैग इट डाउन टू 0, दीज आर द टू थिंग्स दैट वी आर डूइंग। सो इन दिस केस देर इज नो से पॉइंट दैट वी कंपेयर सम ऑफ स्क्वेयर्स और एनी एडवांस्ड और डिफरेंट वेरियंट ऑफ एवेल्यूएशन। तो इसमें अगर आप इसको से, क्योंकि वन वाली चीज़ ने वन पे ही मैप हो जाना है, जीरो ने जीरो पे मैप हो जाना है, तो आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो तो एज सच कोई डिफरेंस नहीं आएगा, अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर सब कुछ ठीक ठीक प्रोजेक्ट हो जाता है, तो उस सूरत में वन वालों के जो डिफरेंस आएगा, वन का वन से डिफरेंस क्या आएगा, जीरो, और जीरो का जीरो से डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। तो सम ऑफ स्क्वेयर्स या आर स्क्वेयर्ड या एडजस्टेड आर स्क्वेयर्ड का कोई सेंस इस सूरत में नहीं बनता, तो देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट। और वो डिफरेंट क्या होती है कि हम ये देखते हैं कि कितने इंस्टेंसेस को सही क्लासिफाई किया है और कितने इंस्टेंसेस को गलत क्लासिफाई किया है, कितने वंस को जीरो कह दिया और कितने जीरोस को वन कह दिया। वन को वन कहना इज सही, वन को वन कह दिया, ओके हो गया, जीरो को जीरो कह दिया, ये भी क्या हो गया, ओके हो गया, वन को जीरो कह दिया तो क्या हुआ, गलत, और जीरो को वन कह दिया तो भी क्या हो गया, गलत। ये इस प्रॉब्लम को, जिसमें कि हमारे पास दो क्लासेस हैं, कि उसने आइदर ही इज गोइंग टू परचेज इट और ही इज नॉट गोइंग टू टेक अप द ऑफर, इसमें दो क्लासेस हैं हमारे पास, इसको कहते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, कि हमारे पास दो पॉसिबल आंसर्स हैं, उनमें से कोई एक हमने निकालना है। तो इस बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर फिर जो हमारे पास ये चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं, कि उसने खरीदी और हमने भी कहा खरीदी, उसने नहीं खरीदी और हमने भी कहा कि नहीं खरीदी, उसने खरीद ली लेकिन मॉडल ने कहा कि ये नहीं खरीदेगा, और उसने नहीं खरीदी लेकिन मॉडल ने कहा कि ये खरीद लेगा। ये चारों इंस्टेंसेस आपको समझ आते हैं, कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, यस सर, गुड। तो अब इन चारों को देखने के बाद हमारे पास क्या चीज आती है, कि हम इन चारों को इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में मैप कर देते हैं। हम यूं लिखते हैं 0 1 0 1, जब इस मैट्रिक्स से हम लिखेंगे तो ये क्या है, 0 0, ये क्या बन रहा है, 0 65 जो लिखा हुआ है ये क्या है, 0 0, और 3 जो लिखा हुआ है कि ये क्या है, 0 1, वन और ये जो 8 लिखा हुआ है ये क्या है, जीरो 1 0, और ये क्या है, 1 1। वन तो ये इसके जो डायगोनल पे वैल्यूज होती हैं ये करेक्ट वैल्यूज होती हैं, कि ये 0 को 0 मॉडल ने कहा है और 1 को 1 वन कहा है। यहाँ पे ये है कि 0 को 1 कह दिया और इधर क्या है, 1 को
जीरो गया गया। जीरो। तो कितने इंस्टेंसेस इसने गलत किए? दो दो। कैसे? ये 8 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा हुआ है। टोटल 11। हाँ, 11 इंस्टेंसेस इसने गलत किए हैं। इन वंस को इसने जीरो कहना शुरू कर दिया है और इन जीरोस को इसने वन कहना शुरू कर दिया। तो ये 8 और 3, 11 इंस्टेंसेस इसने गलत किए हैं। और सही कितने किए हैं? 65 प्लस 24 89। 89। ठीक है, इसने 89 को ठीक प्रिडिक्ट किया है और 11 को गलत प्रिडिक्ट किया है। ठीक हो गया। तो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमें एक्चुअली ये बता रहा होता है कि कौन सी क्लास के कितने इंस्टेंसेस सही हो गए हैं और कितने दूसरी वाली क्लास में चले गए हैं। समझ में आ गई बात कि ये यस 68 इंस्टेंसेस थे नो वाले और उनमें से 3 जो हैं वो यस में इसने प्रिडिक्ट कर दिए, अनफॉर्चुनेटली मॉडल ने। और यस वाले 32 इंस्टेंसेस थे, उनको 24 को तो उसने ठीक कर दिया, लेकिन 8 को उसने नो वाले खाते में डाल दिया कि ये ऑप्ट नहीं करेंगे बेस्ड ऑन इट्स ओन कैलकुलेशंस, राइट? तो ऑब्वियसली मशीन लर्निंग के अंदर 100% एक्यूरेसी तक जाना वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये एक बुनियादी मेजर है जिसकी बुनियाद पे हम काम को स्टार्ट करते हैं। ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज वन ऑफ द वेरी प्रिमिटिव एवोल्यूशन मेजर्स जो कि हमें नज़र आता है, और उसकी बेस पे हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम कितना बेहतर काम कर रहा है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। हमारे पास ये वाई प्रेडिक्ट आ गए। अभी जो मैं आपको इन दोनों के बारे में बता रहा था कि मैं कह रहा था कि ये क्या है, वाई वाई टेस्ट, ये वाई प्रिडिक्ट टेस्ट है और ये वाई प्रिडिक्टेड है। ये प्रिडिक्टेड कौन सा है? जो मॉडल ने आउटपुट दी है। और वाई टेस्ट क्या है? जो एक्चुअली होनी चाहिए थी। इन एक्चुअली होना दोनों को चाहिए। कंपेयर करके हम ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिटरमिन कर रहे हैं। सादे अल्फाज में क्या है कि अगर मैं प्रेजेंटेशन पे जाऊं तो इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे मैं एक और कॉलम बना देता हूँ। ये है वाई टेस्ट से फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। और जो एफ कॉलम है इसको मैं क्या कह दूंगा? वाई प्रिडिक्ट। तो हर एक इंस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई प्रिडिक्ट में भी एक वैल्यू पड़ी होगी। से मैं कहता हूँ 0 0 0 0, यहाँ पे इस मेल की सैलरी ज्यादा है, तो मॉडल क्या कहेगा? ये खरीद लेगा, ठीक है, लेकिन ये है अभी छोटा है, इसने अभी हिम्मत नहीं पड़ी इसकी खरीदने की, ठीक है, इसको भी 0। इस फीमेल को से वो कह देता है कि ये इसकी तनख्वाह ठीक है, ये परचेज कर लेगी, लेकिन इसने नहीं की। यहाँ पे मॉडल कह देता है 1 कि ये भी खरीद लेगी, 0 0। तो इस तरह से ये जीरोज और वंस के खातों में ये चलता रहेगा। तो जहां जहां ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वहां वहां ये गलत हो जाएगा। इधर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, इधर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो बेसिकली ये इन चीज़ों को देख रहा होता है। तो किसी वन के केस में जिस तरह ये 47 ईयर से एज है, 25,000 सैलरी है, तो ये कहेगा नहीं यार ये नहीं खरीदेगा, लेकिन इसे खरीद ली है, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा एक कॉलम वाई प्रेडिक्ट का बन जाता है। इन दोनों को कंपेयर करके हम क्या करते हैं? अपना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो सारे का सारा ड्रॉ करते हैं। तो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की जो आउटपुट आपके कंसोल पे शो होगी वो इस तरह से शो होगी। समझ में आ गई ये बात? तो अब आपने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स सर को क्या चीज देनी है? वाई प्रेडिक्ट उसे चाहिए और वाई टेस्ट चाहिए। तो वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट की बेसिस पे वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स खुद ही आपको बना के दे देगा। वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपने क्या किया, इस फंक्शन को, और यहाँ पे ये जो इम्पोर्ट हो रहा है ये फंक्शन हो रहा है, कैसे पता लगा ये फंक्शन है? ये हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो से क्या होते हैं, नेमिंग कन्वेंशंस जो होती हैं उनसे हमें पता लगता है। ये देखो ये क्या है, इसमें और उसमें क्या लॉजिस्टिक फ़र्क है? ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो लिखा हुआ है, और
ये जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स लिखा हुआ है इनमें क्या फर्क है? अंडरस्कोर और का, और नेमिंग करना सर चाहिए फर्स्ट का केमल छोटा केस है और एक ये, दूसरा वाला ठीक है ना? हाँ, तो ये यस दिस दिस इज द पॉइंट कि हम हमारे समझ। जो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है उसमें क्या हम करते हैं, ये देखो, ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी क्या है, एक मेथड है। वैसे भी इसके अंदर ये पैरामीटर्स वगैरह जा भी रहे हैं, तो ये जो मेथड्स होते हैं उनके लिए हम हमारे पास लैंग्वेजेस के अंदर जो स्टैंडर्ड कोडिंग प्रैक्टिस है उसमें स्मॉल लेटर्स से हम लिखते हैं। ये देखो, ये क्लास है, ये मेथड है, ठीक हो गया। इसी तरह ये क्लास है और ये क्या है, मेथड है। तो इस मेथड के अंदर मैथड ये दोनों चीजें चली गई, इसने वो कैलकुलेशन की जो अभी मैंने एक्सेल की शीट पे जैसे दिखाया कि ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, इन दोनों को कंपेयर करके ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कितने वंस के कॉरेस्पॉन्डिंग वन था और कितने जीरोस के कॉरेस्पॉन्डिंग जीरो था, कितने वंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जीरो था और कितने जीरोस के कॉरेस्पॉन्डिंग वन था, तो ये चार चीजें इसने कैलकुलेट करके इस तरह मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दी है। दैट्स इट, ठीक हो गया। लेकिन इससे हमें बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल गई के हमारे 11 इंस्टेंसेस गलत हैं और 89 इंस्टेंसेस ठीक हैं। तो इस केस में हमारी जो एक्यूरेसी है वो यही होती है कि 89 आउट ऑफ 100। तो एक्यूरेसी एक मेजर है, मैं जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर एक्यूरेसी एक बड़ा वाइडली यूज्ड मेजर है, सिंपल सा मेजर है। उसके अंदर क्या हम करते हैं कि कितना ठीक और कितना गलत, तो वो ठीक, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये जो डायगोनल है मैंने आपको बताया, ये दोनों ठीक होते हैं, और ये जो वंस को जीरो और जीरो को वन उसने कर दिया, ये वाले गलत है। तो गलत 11 है, सही 89 है, टोटल 100 है। तो टोटल में से कितना काम ठीक किया है, इस चीज का नाम क्या है, एक्यूरेसी। टोटल में से कितना काम ठीक किया है, इस चीज का नाम क्या है, एक्यूरेसी। तो हम कहेंगे कि इसने 89% एक्यूरेसी शो की है। आप लोग ये कर सकते हैं, आप लोग ऐसा कीजिएगा कि एज एन असाइनमेंट हमने वो जो जेंडर का कॉलम है वो नहीं शामिल किया है ना, यस सर तो आप लोग जेंडर का कॉलम भी शामिल करके देखिएगा कि यार ठीक लेट्स इंक्लूड जेंडर एंड सी के क्या होता है, एक्यूरेसी इतनी ही रहती है या कुछ बेहतर होती है, कितना चेंज आएगा कोड में। सर, एक्यूरेसी तो और वही प्लान रहेगी लेकिन नहीं नहीं वो ठहर जाओ कर ठहर, नहीं पता नहीं रही वो रहेगी कि नहीं रहेगी। ख्वाजा शहरयार, कोड में क्या चेंज करेंगे जेंडर को इंक्लूड करने के लिए? सर किस हिस्से में? आपने बताना है किस हिस्से में करना है, नो सर, जेंडर की बात कर रहा हूँ, किस एरिया में ऐड करना जेंडर को मॉडल टाउन के एरिया में आपने बताना है, यही तो सवाल है। सर। इस जगह पे कोई एरिया नजर आ रहा है जहां पे जेंडर को ऐड करें तो कोई बात बन जाएगी? सर टेस्ट में हम कर सकते हैं ऐड, अगर हमने कोई प्रेडिक्शन बनानी है। टेस्ट में जेंडर जो है वो हमारा, अगर इस डाटा को देखें तो इसका अगर मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पे इसको लेके जाऊं तो जेंडर जो है वो ट्रेनिंग वाले पार्ट का हिस्सा बनेगा या टेस्टिंग वाले पार्ट का या दोनों का? सर रैंडमाइज ही रहेगा टेस्ट और ट्रेन का कि कौन से किस हिस्से में अच्छा, जाता है। कौन से एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमारे एक्स में जाएंगे और कौन से वाई, एक्स और वाई की लाइन अगर मैं ड्रॉ करने की तरफ जाऊं तो कहाँ कौन कहाँ पे लाइन ड्रॉ करूं? एक्स और वाई की इस तरह भी मैंने किया था ना ये वाला, ठहरे, इस तरह से हमने ये बनाया था, कई दफा बना चुके हैं ये जो अभी मैंने थोड़ी देर सेवेंटी पहले भी फाइव बनाया था। सेवेंटी फाइव और 25 को स्प्लिट हाँ किया हाँ 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 ये एक्स है और ये वाई है, इसको अब इसमें बनाना है हमने, इस डाटा के ऊपर बनाना है। कैसे बनाए? होगा। 75% डाटा उसके अंदर डाल देंगे जो हमारा ट्रेन टेस्ट होगा, तो ट्रेन होगा, और 25% टेस्ट में डाल देंगे। तो ये 20 है ना, तो इसका मतलब 16 इंस्टेंसेस जो है 75% बन जाएंगे, है ना? कितने बन जाएंगे, 80% ही बन जाएंगे। चलो तो हम 80-20 कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है? तो उसमें क्या करें फिर, ये लाइन में किधर लगाऊं, ये वाली लाइन किधर लगाऊं, ये जो ये तो मुझे पता लग गया कि ये इधर लग गई है लाइन, ये पार्ट ट्रेनिंग है
ऊपर वाला, और ये वाला पार्ट टेस्टेड है। एक्स और वाई के लिए क्या करूं? एक्स के कुछ कॉलम्स सिलेक्ट कर लिए जाएंगे और वाई का एक कॉलम आएगा कौन जो से? हमारा एक्स के कौन से कॉलम्स करें? एक्स में हमारा आ जाएगा एज, सॉरी एज आ जाएगा, एस्टिमेटेड आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, यूजर आईडी आ जाएगी। यूजर आईडी वैसे ली जा सकती है, यूजर आईडी, यूजर आईडी एक्चुअली ना लें तो बेहतर है। ऑर्डिनल ज्यादातर, क्योंकि ये नहीं, ऑर्डिनल नहीं है ये, ये तो बस वैसे ही एक नंबर है जो के लोगों को एज देयर आइडेंटिफायर मिले हैं, जैसे आप लोगों को रोल नंबर मिले हैं। यस सर। तो रोल नंबर से आप ये कह सकते हैं कि अच्छा यार, क्या रोल नंबर है आपका? 171। ठीक है, मैं कहूँ यार ये F201726171 है, एदा कोई 2.8 GPA होना है, ऐसे ठीक है ये बात? रोल नंबर से प्रेडिक्ट किया जा सकता है? मुश्किल ही है ना, रोल नंबर तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम कहें कि यार ये रोल नंबर मुझे पता लग गया, मैं इसके नंबर बता दूंगा, ये तो ज्योतिषियों वाली बात हो जाएगी, है ना, सितारे सतूरे मिलाने वाली की, ए रोल नंबर ना लवी नहीं मगर सर यार नहीं, डायमेंशन डायरेक्शनलिटी आपने कहा था कि अभी हमने नहीं अप्लाई करनी क्योंकि कॉलम्स ड्रॉप करने वाला सीन नहीं, ये तो एनीवे हमें एक सेंस तो बन ही रहा है ना इस चीज का, तो बड़े आसानी से समझा रही। यस सर, दिस इज प्रीटी एविडेंट, आई मीन ये उस नोयत की चीज है कि सब जगह 1111111 लिखा हो, तो आई मीन डू वी नीड डायमेंशनल रिडक्शन थ्योरी टू ड्रॉप दिस कॉलम और वी कैन सिंपली ड्रॉप इट? नॉर्मली वी ड्रॉप ठीक है ना, देयर इट इज हार्ड टू थिंक कि इसको इंक्लूड किस लिए करें, इसको वैसे ही नजर आ जाना चाहिए कि इट्स नॉट मेकिंग एनी से डिस्क्रिशन कि कहाँ पे क्या इस जीरो और वन के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये तो कोई डिफरेंस लेके ही नहीं आ रहा जिसके बुनियाद पे हम कहें कि यार ये बड़ा यूजफुल हो जाएगा डिसीजन मेकिंग, सो इट इज नॉट हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग एट ऑल। सेम इज द केस, सेमेंटिक वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट इज एक्चुअली टेलिंग अस दैट इट्स जस्ट अ रैंडम यूजर आईडी व्हिच हैज बीन असाइंड टू एनी यूजर, जस्ट लाइक योर रोल नंबर्स। अब जो आपका टॉपर है वो लोएस्ट मार्क्स वाले से जस्ट नेक्स्ट रोल नंबर वाला हो, तो आई मीन हाउ कैन वी से कि रोल नंबर से कोई फर्क पड़ता है? सो द रोल नंबर इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस टू द कैलकुलेशन ऑफ एनीथिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन एट्रीब्यूट्स जो हैं, दीज आर द यूजफुल एट्रीब्यूट्स, राइट? सो वी हैड a horizontal split like this in which we said okay 80% data is for the training part and 20% data is for the testing part. The next thing was okay how to split it vertically. So vertically we already know that this last column conventionally is the one which carries the final output, so that's we simply do ke idhar se hum vertically se fragment kar denge, and after that this is the portion to consider ke isme se kaun se attributes ko humne on board karna hai, predictor ko dena hai ke yaar aap in attributes ki base pe predict karo, baat ban jayegi. To abhi humne ye do diye, theek hai, to ye teesra bhi hum keh rahe hain ke yaar ye bhi aap predictor ko de dein. Ab ye baat samajh aa gayi sari? Yes sir. Ye kaun sa portion hai, isko hum kya kahenge? Y train. Y train, excellent. और ये X train. ये X test. और ये Y test. Very good. Perfect हो गया ना? तो इसका मतलब ये है कि हमने ये जो X X में ये सारा कुछ लोड हो जाता है, इतना portion. Y में ये सारा कुछ लोड हो जाता है. फिर हम train test split जब करते हैं, उस वक्त वो ये वाली चीज कर देता है कि ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ट्रेनिंग पार्ट में चला जाए और नीचे वाला हिस्सा किसमें चला जाए, टेस्टिंग में. ठीक है, तो वो फिर चार हिस्से बन जाते हैं उसके, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट. समझ आ गई? अब ये जो जेंडर का कॉलम है ये किस जगह पे है? एक्स एक्स में. ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं अपने कोड की तरफ.
तो अब आप मुझे बताएं कि इस सारी जगह पे कहाँ पे चेंज करें कि वो बात बन जाए जो हम करना चाह रहे हैं। ये मेरा सवाल था कि मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी से नेक्स्ट अभी सिर्फ और सिर्फ ऐड क्या हुआ हुआ था, एज और एज और एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड सैलरी। मैं इसमें जेंडर भी ऐड करना चाहता हूँ। आई वेयर लॉक शुड आई के मेक अंदर, दिस आई आई लॉक के अंदर लॉक जो है 2 और 3 जो डाले उसके अंदर हम 1 कर देंगे, 1 से लेकर 3 तक वन थ्री सारे वो कर कॉलम दो, को पिक कर लें। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। सो दिस इज द ओनली चेंज दैट आई नीड टू मेक इन माई कोड। परफेक्ट, एक्सेलेंट, समझ आ गई सबको कि मैं पहले कॉलम नंबर 2 और 3 लेके चल रहा था, अब मैंने 1 को भी साथ लेके चलना है, तो यहाँ पे मैं 1 को भी इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ। जीरोथ कॉलम को भी मैं कंसिडर नहीं कर रहा। व्हाट वाज इन द जीरोथ कॉलम? जीरो कॉलम में रोल नंबर था जो हमने ड्रॉप कर दिया। बिल्कुल, रोल नंबर कह दें या एम्प्लॉय कोड दे, वी हैव ड्रॉप्ड दैट। सो दैट्स व्हाट वी वांटेड एंड वी हैव डन इट। तो जब इसको हमने कर लिया, तो उसके बाद जब इसे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में करना है, तो दैट्स नॉट आवर इट इज नॉट गोइंग टू बॉदर अस एट ऑल। वो खुद ही जो भी हमने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट किए हैं उनके मुताबिक ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग में वो भी वही कॉलम्स को भी कर देगा। उसके बाद जब आप स्केलिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त भी हमें कोई परेशानी नहीं है कि स्केलिंग में भी हम एक्स ट्रेन दे रहे हैं, ठीक है, और एक्स टेस्ट दे रहे हैं, वो खुद ब खुद उसको स्केल करता रहेगा। अगेन, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ गई इस बात की? वाई को क्यों नहीं हम सर स्केल कर रहे? जीरो और एक्स वन है को वो। वो है ही 0 1, उसको स्केल करने की जरूरत नहीं है। और हमारे जो एक्स जो प्रिडिक्टर है, अगेन उसने भी जो मर्जी वो फ्रैक्शनल वैल्यूज वो निकालेगा या डेसिमल पॉइंट वैल्यूज निकालेगा, उसको उसने 0 या 1 के ऊपर मैप ही करना है। तो इसलिए वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई भी स्केलिंग करने की जरूरत नहीं पेश आ रही। अब सारी बातें समझ आ रही हैं? यस सर। कोई कोई कंसर्न तो नहीं है किसी का? अच्छा, इसकी इवेल्युएशन को अब हमने स्टार्ट किया। इसमें पहली चीज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स थी और दूसरी चीज एक्यूरेसी थी। एक्यूरेसी की भी समझ आ गई? यस इसी सर। में ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, चार चीजें एक्चुअली होती हैं। ट्रू पॉजिटिव क्या चीज होती है? ये जो पी और एन है ना, ये प्रिडिक्टर के साथ है। प्रिडिक्टर कहता है पी और प्रिडिक्टर कहता है एन। तो इसका मतलब ये है कि जब वो 1 कह रहा है ये खरीद लेगा, तो से वो इसे पॉजिटिव कह रहा है, और जब प्रिडिक्टर समझता है ये नहीं खरीदेगा, तो उस वक्त ये क्या कह रहा है? 0। और ट्रू और फॉल्स क्या है? एक्चुअल। ट्रू और फॉल्स क्या है? एक्चुअल। तो ये वाई प्रिडिक्ट के अंदर से निकलेंगे और ये कहां से निकलेंगे? वाई टेस्ट के अंदर से। ट्रू का मतलब है कि जो ये कह रहा है ना ये सही है, और फॉल्स का मतलब है कि जो ये कह रहा है, जो भी प्रिडिक्टर कह रहा है, वो गलत है। तो ट्रू का क्या मतलब है? प्रिडिक्टर इज करेक्ट, इज ट्रू। और फॉल्स का क्या मतलब है? प्रिडिक्टर इज रॉन्ग या फॉल्स। तो इन दोनों को जब आप इस नजर से देखेंगे ना कि जो सिस्टम ने करना है, जो हमने बनाया है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव वो कहेगा कि, क्योंकि उसने कहना ये यही है कि या तो वो कहेगा ये खरीद लेगा या कहेगा नहीं खरीदेगा। जो भी उसने कहा है, बेशक ट्रू का है, बेशक फॉल्स का है या नो का है, दोनों के केसेस में अगर उसने सही कहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? कि ये ट्रू है।
और अगर उसने गलत कहा तो हम उसे क्या कहेंगे, फॉल्स। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इस पे वापस आता हूँ अपने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे, तो ये वन को वन कहना और जीरो को जीरो कहना, वन को वन कहना और जीरो को जीरो कहना, ये क्या है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। हम ट्रू किस हिसाब से कह रहे हैं कि सिस्टम ने जो किया है वो ठीक किया या नहीं किया। तो ये वन को वन कह रहा है तो ये ट्रू कह रहा है। एक्चुअली यहाँ पे ये वन को वन कहने का मतलब क्या है, सिस्टम कह रहा है कि ये पॉजिटिव है कि ये खरीदेगा, और यहाँ पे सिस्टम कह रहा है कि ये नेगेटिव है, ये नहीं खरीदेगा। सिस्टम ने बिल्कुल सही कहा और सिस्टम ने यहाँ पे भी बिल्कुल सही कहा, तो ये ट्रू पॉजिटिव है और ये ट्रू नेगेटिव है। समझ आ गई इस बात की? यस सर। अच्छा, यहाँ पे सिस्टम पॉजिटिव कह रहे हैं, ठीक है, हम इसको कह देते हैं ये सिस्टम है और ये एक्चुअल है। यहाँ पे सिस्टम ने क्या कहा, पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअली क्या था, नेगेटिव। तो सिस्टम जब इसे पॉजिटिव कह रहे हैं तो हम इसे पॉजिटिव के खाते में डाल देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या था, नेगेटिव। तो ये क्या कहलाएगा, फॉल्स पॉजिटिव। ये क्या कहलाएगा कि द सिस्टम सेड दैट ही इज गोइंग टू ऑप्ट फॉर इट, बट अनफॉर्चुनेटली द सिस्टम वॉज रॉन्ग, सो दिस पॉजिटिव थिंग इज फॉल्स, दैट इज वट कॉन्स्टिट्यूट्स फॉल्स पॉजिटिव्स। और यहाँ पे सिस्टम क्या कह रहा है इस कॉलम में, सिस्टम इज सेइंग नो, ही इज नॉट गोइंग टू ऑप्ट फॉर इट, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वॉज गोइंग टू ऑप्ट फॉर इट। सो द सिस्टम सेड नो एंड ही सेड इट रॉन्गली, सो एनी थिंग दैट सिस्टम डज रॉन्ग वी एसोशिएट अ फॉल्स विद दैट, बी इट पॉजिटिव बी इट नेगेटिव, एंड एनी थिंग दैट सिस्टम सेज करेक्ट बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव वी एसोशिएट ट्रू विद दैट, सो दैट टर्न्स आउट टू बी ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। सो इस चीज़ को समझने का बेस्ट तरीका यही है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव सिस्टम के एट्रीब्यूशन में लेके जाएं और ट्रू और फॉल्स एक्चुअल डाटा की एट्रीब्यूशन में लेके जाएं। तो जो सिस्टम कर रहा है, यहाँ पे सिस्टम पॉजिटिव कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है तो हमने पी पी लिख दिया, यहाँ पे सिस्टम नेगेटिव और नेगेटिव कर रहा है तो हमने नेगेटिव और नेगेटिव लिख दिया, यहाँ पे सिस्टम ने दुरुस्त काम किया, जहाँ जहाँ सिस्टम दुरुस्त काम कर रहा है उधर ट्रू लगा दें, जहाँ सिस्टम गलत काम कर रहा है वहाँ पे एफ लगा दें। तो ये आपका पूरा खुद ब खुद कम्प्लीट हो जाएगा, इसको कोई रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू जस्ट अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस एट्रीब्यूशन के ट्रू और फॉल्स, सॉरी ये ट्रू, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये सिस्टम के साथ हैं और ट्रू और फॉल्स जो है वो उसके सही और गलत के साथ हैं कि सिस्टम क्या कर रहा है, तो वील मैनेज टू डू इट। अब आपने एज एज योर असाइनमेंट एक काम करना है, आपने ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव की मदद से कुछ और मेजर्स होते हैं, एक मेजर होता है प्रिसीजन, प्रिसीजन, एक मेजर होता है रिकॉल, एक होता है एफ मेजर, और एक होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी अभी आपने देखी भी, अब आप इसको और ज्यादा इन इन चारों की टर्म्स में आपने आइडेंटिफाई करना है। ये जो चार चीज़ें हैं ना, ये जो टी पी एफ पी और टी एन एफ एन है, ये ए बी सी है। ये क्या चीज़ है, ये ए बी सी है, अल्फाबेट्स हैं एवेल्यूएशन के। इस ये क्या चीज़ है, ये इस पे देखें, इसको और इसको मैप करें, ये जो चार बॉक्सेस मैंने बनाए हैं ना, ये एक्चुअली यही है। ये क्या है, 65 ट्रू पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव, और ये थ्री क्या है, फॉल्स नेगेटिव,
और 8 क्या है, फॉल्स पॉजिटिव, और 24 क्या है, ट्रू नेगेटिव। ठीक है, तो ये अगेन डिपेंड करता है कि आप सिस्टम को इधर रख रहे हैं या उसको प्रिडिक्शन को इधर रख, किधर किसको रख रहे हैं उसकी बेस पे ये वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं। ऐसा भी तो हम कर सकते हैं ना कि सिस्टम की आउटकम, इसको सिस्टम की आउटकम कहना शुरू कर दें और इसको एक्चुअल कहना शुरू कर दें, तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा वो शफल हो जाएगा, लेकिन बात वही रहेगी। ठीक है, तो खैर ये आपके जो ये वाले कंसर्न्ड कॉर्नर्स हैं ये इस तरीके से मैप होते हैं और इन्हीं की बुनियाद पे प्रिसीजन रिकॉल एफ मेजर और एक्यूरेसी डिटरमिन होती है। आपने ये फार्मूलाज ढूंढने और उन फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करना है और ये भी देखना है कि ये इधर एक्चुअल है या प्रिडिक्टेड है और इधर एक्चुअल है या प्रिडिक्टेड है, जो डाटा है उसके हिसाब से आपने देखना है और फिर उसकी मदद से आपने प्रिसीजन रिकॉल एफ मेजर और एक्यूरेसी इनको डिटरमिन करना है ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव वगैरह की टर्म्स में। ये आपका होमवर्क है। और दूसरा, मैं आपको ये कोड भेज दूंगा, इस कोड को आपने इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, ये आखिरी पोर्शन जो कोड का है, यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया, इसके बाद हम वी आर डन विद वट एवर वी वर डूइंग। अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास ये वो रन टाइम इन्वायरमेंट नहीं है, वरना मैं ये सारा कुछ आपको चला के दिखाता। अब मैं, मुझे ये स्लाइड्स में भी ऐड कर लेनी चाहिए थी, मैं नहीं उसको ऐड कर सका। वो विजुअलाइजेशन है, एक्चुअली वो विजुलाइजेशन कुछ इस तरह की है कि ये जो हमारा डाटा है ये सारा इस तरह ना एक इसका एक कलर्ड प्लॉट बनता है। ठीक है, ये कलर मैप बन जाता है। इस कलर मैप के अंदर फिर इस टाइप की लाइन लगती है, एक इस टाइप की, एक्चुअली हाँ इसी टाइप की, यूं एक लाइन लग जाती है, स्ट्रेट लाइन, ये वाली, ये जो दूसरी लगा रहा हूँ। और ये एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड करता है इसको, से ये वो वाले सारे इंस्टेंसेस हैं जो नहीं परचेज करेंगे, ये वाले, और ये वो सारे हैं जो के परचेज करेंगे। तो कुछ कुछ लोग जो इधर बाउंड्री पे लाए कर रहे होते हैं ना, वो अमूमन गलत हो जाते हैं कि ये बाउंड्री पे है, अब ये हमने कह दिया कि ये परचेज करेगा, लेकिन ये बिल्कुल बाउंड्री पे था और इसने नहीं की हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो वो आपको कलर्ड प्लॉट में ग्रीन और ब्लू सर्कल्स नजर आएंगे, ये जो रेड और ग्रीन सर्कल्स नजर आएंगे, रेड और ग्रीन रीजन्स में इसने डिवाइड किया हुआ है। एक ग्रीन रीजन होगा, जो परचेज कर रहे हैं वो ग्रीन रीजन है, जो नहीं परचेज कर रहे उसको रेड रीजन हमने कह दिया, कलर ऑब्वियसली हम खुद दे रहे हैं। और इसी तरह जो पॉइंट्स को हम प्लॉट कर रहे हैं वो सर्कल्स की फॉर्म में, छोटे छोटे पॉइंट्स की फॉर्म में, सर्कुलर पॉइंट्स की फॉर्म में, जिस तरह ये डॉट्स बने हैं उसमें भी रेड और ग्रीन की फॉर्म में हम प्लॉट कर रहे हैं। तो जो रेड ग्रीन रीजन में प्लॉट हो जाता है या ग्रीन रेड रीजन में प्लॉट हो जाता है, वो हमारे क्या होते हैं, फॉल्स वाले होते हैं, फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव्स होते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, ये तो सारा हो जाता है, ऊपर ये जो कॉलम के नाम दिए हुए ना, ये काइंडली जरा बता दें कौन से नाम। x1 x2 is equal to np dot mesh grid और np range start is equal to x set, कॉलम्स के जो नाम है ये दो, एक्चुअली दो रीजंस में इसने डिवाइड करना है ना, तो x1 एक है और x2 दूसरा रीजन है। ठीक है, और इस चीज को मैश ग्रिड कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये जो ये एक्स के अंदर से मिनिमम वैल्यू और फिर -1 कर रहा है और फिर एक्स सेट के अंदर से ही जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 कर रहा है। ये जो हम ग्राफ नहीं बनाते, हम ये ग्राफ पेपर पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, याद है, तो वो इस तरह से बड़े ग्रिड्स बने होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे ग्रिड्स बने होते हैं। तो हम अमूमन क्या कर रहे होते हैं ग्राफ बनाते वक्त, ग्राफ बनाते वक्त हम कहते हैं कि यार एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, मिनिमम वैल्यू एक्स की है जी 10 और मैक्सिमम वैल्यू है 90। तो ये जो मिनिमम वैल्यू, हमारी कोशिश ये होती है कि ग्राफ थोड़ा सा इधर से शुरू हो, ना कि वो पहली वैल्यू ही ठा करके मिनिमम वाली लगे। ठीक है, और इसी तरह वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग भी हम
मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करते हैं और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करते हैं, और मिनिमम वैल्यू से थोड़ा सा पीछे आके ग्राफ स्टार्ट करते हैं, ऐसा करते हैं ना, वरना हमारी ये जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो इधर ओरिजिन पे पॉइंट होना शुरू हो जाएगी, विच इज एक्चुअली रॉन्ग. ठीक है, अच्छा नहीं लगता उस साथ ग्राफ के, हमें वो ये लगे कि ये कंटिन्यू उड़ा रहा है पीछे से. ठीक है, तो से इसकी जो वैल्यू थी मिनिमम वो थी 17 और यहाँ पे थी 35. तो ये वो चीज है कि मैक्सिमम से प्लस वन और मिनिमम से माइनस वन. और ये जो स्टेप है ये वो चीज है कि हमने एक छोटा बॉक्स जो है वो कितने स्टेप के बाद उसको आगे चलाना है, 0.01 के स्टेप से वो चल रहा है. ठीक है, इसका मतलब ये साइज जो है, ये जो छोटे 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 बॉक्स नहीं होते छोटे वाले, वो 0.01 वाले हैं. आप उसे 0.05 दे देंगे तो वो उस हिसाब से चल जाएगा. समझ आ रही है? 0.05 करेंगे तो वो 10 में 5 को कवर कर जाएगा ना, 10 छोटे डब्बे 5 को कवर कर जाएंगे. 0.01 करेंगे तो ये 0.1 को कवर करेगा, है ना, 0.5 की बजाय 0.1 को कवर करेगा. तो ये हमारा वो डिस्क्रीट इंटरवल है जो हम एक छोटे बॉक्स को दे रहे हैं. समझ आ गई? यस सर. तो ये इस तरह की चीजें इसके अंदर दी हुई है, ये आप इसको देख लीजिएगा. तो एनीवे ये भी चीज जो है ये भी हमारे वो ये x1 और x2 दो रीजंस में हमने डिवाइड करना है. प्लॉट स्कैटर भी बता दीजिएगा जरा. क्या चीज सर? ये y सेट इज इक्वल टू j,0, ये plt डॉट स्कैटर से लाइन नंबर 67 पे. अच्छा, ये तो ये बस इसको प्लॉट करने के लिए जो ऊपर हमने सारी सेटिंग की है वो सारी सेटिंग जो है ये उसको दे रहा है प्लॉट करने के लिए. ये स्कैटर प्लॉट जो है उसको, जो हमारे पास ये सारे डाटा एलिमेंट्स है ना, ये एक लूप लगा रहा है, लूप लगा रहा है इन दोनों के ऊपर. ठीक है, और इन दोनों के ऊपर लूप लगाने के बाद वो कह रहा है कि जो भी हमारे पास ये जो वैल्यूज आ रही हैं उनको उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रेड या ग्रीन के हिसाब से प्लॉट कर दो. इसका इस सारी चीज का ना ये आई और जे का एक लूप लगा रहा है वाई सेट के ऊपर. ठीक है, तो वाई सेट के अंदर से ये जो जो जिधर जिधर एक्चुअली प्लॉट हो रहा है उसके हिसाब से ये प्लॉटिंग करता जा रहा है जो हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं उनको. तो उसके बाद फिर ये टेस्ट सेट के ऊपर इसने बनाया हुआ है, इसी को आप ट्रेन सेट के ऊपर कर देंगे. ये जो इसने यहाँ पे ये काम किया ना, ये जो दो वेरिएबल्स इसने बनाए हैं, ये दो वेरिएबल्स ये इम्पोर्टेंट है. इसके अंदर आपने ना, आप फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी इस सारे कोड को एज इट इज यूज कर लीजिएगा. जो मेन पॉइंट है ना इस कोड को रीयूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पे लाया करता है इस जगह पे. ये इसने किसकी बेस पे ड्रॉ किया है? एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट. ठीक है, इसको एक्स टेस्ट को एक्स सेट में, वाई टेस्ट को वाई सेट में इसने मैप करवा दिया. अगर यही मैं ट्रेनिंग के ऊपर ये वाला कोड चलाना चाहूं तो क्या होगा? मैं यहाँ पे एक्स ट्रेन और यहाँ पे वाई ट्रेन लिख दूंगा तो वो ट्रेनिंग सेट वाला डाटा इसको मिल जाएगा और यही कोड एज इट इज चल जाएगा. और मैं ये जाके क्या करूंगा, यहाँ पे टेस्ट सेट की बजाय ट्रेन सेट लिख दूंगा इसके लेबल में. ठीक है, तो आपको इस कोड की जितनी भी समझ आती है वो आप कर लें. एनीथिंग दैट यू नीड टू चेंज इज ओनली इन लाइन नंबर 59, बाकी आपने ये कोड एज इट इज चलाना है. ठीक हो गया? आपने ये जो एक्स टेस्ट दिया है और जो वाई टेस्ट दिया है, that is the only thing that is important. तो test set को plot करना एक बात है और train set को plot करना एक दूसरी बात है. Basically तो हम testing के base पे evaluation करते हैं सारी, है ना? Yes sir. तो ये testing की इस वक्त plotting हो रही है. यहीं पे हम x test के बजाय x train और y test के बजाय y train कर देंगे तो ये उन दोनों को plot करना शुरू कर देगा. और यहाँ पे फिर हम ट्रेन सेट लिखते हैं कि ये ट्रेनिंग सेट का ग्राफ है यही वाला, कि ट्रेनिंग सेट में कुछ इस तरह से चीजें चल रही हैं और ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है? टेस्ट सेट का.
तो ये इस तरह के दो ग्राफ्स हमारे बन जाएंगे, ये आप बना के देखेंगे। वो मेरा इरादा तो यही था कि उस पर आपको विजुलाइजेशन भी दिखाऊंगा चला के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इधर है नहीं, तो ये आप खुद ही चला के देख लीजिएगा। जो बात आपको समझाइए उसके मुताबिक आप जो रेड प्लॉट, जो ग्रीन रीजन में रेड होंगे और जो रेड रीजन में ग्रीन होंगे, वो आपके 11 इंस्टेंसेस होने चाहिए इस डाटा के मुताबिक। 8 एक के गलत प्लॉट हो रहे थे ना, और 3 दूसरे के। ठीक है, तो वो आपको इस तरह के ग्राफ में वो नजर भी आएंगे। ठीक हो गया? यस सर। और कोई सवाल? सर वो आपको रैंडम फोर्स का कहा था मैंने मेल की थी सुबह। शेयर कर दूंगा। किधर गया ये शेयर हो गया? यस सर। यहाँ से समझ आ जाएगी सारी बात सर। वो तो आ गई थी ना कि क्लस्टर्स बना के और फिर रैंडम फॉरेस्ट उसको एवरेज निकाल के उसको हर एवरेज को बार बार करता ना। तो मैं चाह रहा था कि अगर आप थोड़ी सी स्लाइड बना के उसको और थोड़ा डिटेल में ब्रीफ कर देते तो ये जो डिसीजन ट्री है ना, असल में हम पढ़ते सिर्फ डिसीजन ट्री हैं। डिसीजन ट्री का आगे से आगे बहुत सारे ट्री लगा दो, एक ट्री लगाया ना तो बेशुमार ट्रीज लगा दो और उनके सारा को एवरेज ले लो हर ट्री के डिसीजन की, तो वो रैंडम फॉरेस्ट बन जाता है। ठीक है, फर्क ये है इस वक्त ये बाउंड्रीज लगी हुई है ना। यस सर। हम एक तो ये जो ट्री होता है ये क्या करता है, ये ट्री सारे डाटा के ऊपर आता है। तो डिसीजन ट्री यूजेस ऑल डाटा पॉइंट्स। जो रैंडम फॉरेस्ट है इट मेक्स प्लेंटी ऑफ ट्रीज, डिसीजन ट्रीज। ठीक है, फॉर ईच डिसीजन ट्री इट कंसिडर्स अ सबसेट ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स, जो कि अमूमन रैंडमली सेलेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 10,000 डेटा पॉइंट्स। ठीक है, तो हम कहते हैं कि आप ऐसा करें, मेक 50 ट्रीज ऑफ साइज 2,000। ये समझ आई बात? यस सर। तो अब ये 2,000 डेटा एलिमेंट्स लेगा, सो ईच ट्री विल टेक 2,000 रैंडम डेटा पॉइंट्स एंड विल मेक दीज स्प्लिट्स अकॉर्डिंगली। ये बात समझ आई? अब फुल डेटा में ये स्प्लिट्स बन रहे हैं, तो क्या रैंडमली सिलेक्टेड 2,000 में भी यही स्प्लिट्स बनेंगे? नो सर। उसमें क्या यहाँ पे फर्क डलना शुरू होता है। ये आखिरी बात तक सारी बात समझ आ गई है? यस सर। अब जो स्प्लिट बन जाए हो सकता है वो ये बने, एक ये और एक ये। इस तरह का अगर स्प्लिट बन रहा है तो इसकी अपनी एवरेज निकलेगी, इसकी अपनी एवरेज, इसकी अपनी, डिफरेंट डिफरेंट सी एवरेजेस निकलनी शुरू हो जाएंगी। सारी बात समझ? यस सर। ठीक है, तो उसके मुताबिक अपना एक ट्री बन जाएगा। फिर एक और डाटा हमने लिया, उस डाटा के मुताबिक हम कहते हैं कि अब स्प्लिट करें। वो स्प्लिट करना शुरू किया तो पता लगा ये 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 और ये स्प्लिट बन गए, इनकी अपनी एवरेजेस। पहले 2000 में वो स्प्लिट हो गया, फिर अगले 2000 में ये हो गया। हाँ, अगले 2000 में ये वैल्यूज आनी शुरू हो गए, उससे अगले 2000 में और कुछ वैल्यूज आनी शुरू हो गए। तो वो जो सारे ट्रीज बनेंगे उन सारों की फिर हम इवेंचुअल एक एवरेज निकालते हैं, तो वो जो एवरेज होती है वो फिर रैंडम फॉरेस्ट उसकी बेस पे डिसीजन करता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट। सर मैं क्लास लीव कर दूं, अगली क्लास हो रही है। जी जी, अटेंडेंस ले ली आपने? जी ले ली। वेरी गुड, ठीक है।
अटेंडेंस ये वो स्क्रीनशॉट की बेस पे वो ले लेता है अच्छा। हर कम। ये समझ आ गई सबको? यस सर। तो फैजान ये इसके अंदर सारी बात है कि आपने करना यही काम ही है, लेकिन जब आप एक छोटे सबसेट के ऊपर देख के ये काम कर रहे हैं तो वो एक डिफरेंट वैल्यू प्रोजेक्ट करेगा, फुल डाटा सेट पे एक डिफरेंट वैल्यू प्रोजेक्ट करेगा, और हर दफ़ा जो आप डिफरेंट सैंपल लेंगे उससे वो डिफरेंट वैल्यूज लाएगा। जब उन सारों को एक्युमुलेट करके आप पूरा एक एवरेज वाला सिस्टम तरतीब देंगे तो वो एवरेज वाला सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेहतर प्रिडिक्टर साबित हो जाएगा बनिस्बत के इस पूरे डाटा वाले एक ही ट्री से। ये इसकी इंट्यूशन है। अच्छा, जो अगली बात है कि ये स्प्लिट्स कैसे किए जाते हैं, ये जब हम डिसीजन ट्री को एज अ क्लासिफायर पढ़ेंगे तो उसमें ये स्प्लिट्स सारे हम सीखेंगे कि ये स्प्लिट्स किस तरह से कैलकुलेशन इनकी कैसे होती है। सर उसमें फिर आप इसका कोड वगैरह भी सारा कराएंगे? कोड नहीं दिया आपको इसका? नो सर, डिसीजन ट्री का नहीं, वो रैंडम फॉरेस्ट का नहीं। अच्छा, ये अगर आपको से कोड नहीं भी दिया ना, कोड में जाके आ जाके क्या होना है, कोड में जी जी ये जो हमारी तीन लाइनें होती है ना, ये वाली, यस सर, सिर्फ ये तीन लाइनें चेंज होनी है और कुछ भी नहीं होना। ये आपने ये देखना है कि यहाँ से कौन सी क्लास इंपोर्ट करनी है और उस क्लास के ऊपर आपने ये फिट का ये मेथड अप्लाई करना है। सिर्फ आपने यहाँ से क्लास ही बदलनी है और कुछ भी नहीं करना। सिर्फ वो कॉलम्स को चेंज करें, फाइल का नाम चेंज करें, कॉलम्स को चेंज करें और उसके बाद यहाँ पे आके क्लासिफायर चेंज करें। जहाँ पे स्केलिंग करनी है वहाँ पे स्केलर को ऑन कर दें, जहाँ स्केलिंग नहीं करनी है तो स्केलर को ऑफ कर दें। तो ये सिर्फ इतनी सी जगह चेंज होगी, बाकी तो वो उसने अंदर खाते क्या करना है वो तो हम थ्योरेटिकली समझ रहे थे कि क्या करना है। आपने कोई ये प्रोबेबिलिटीयां कैलकुलेट की हैं अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की कहीं पे पूरे कोड में? नो सर। वो तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा करके ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैपिटल एल और कैपिटल आर वाला इम्पोर्ट की है और अल्हम्दुलिल्लाह क्लासीफायर लिख दिया रिग्रेसर की बजाय, अपनी तरफ से फटकारी लगाई है, हमारा काम हो गया। तो ये तो बड़ा अल्लाह ने करम कर दिया, दुआएं दें पाइथन वालों को, सारी दुनिया डाटा साइंटिस्ट बन गई है। ठीक है, तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज अगेन आई डोंट वांट टू डिमीन इट कि ये अपनी जगह बहुत अच्छा काम है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बातें ये हैं जो कि हम थेरीज की डिस्कस करते हैं ताकि हमें पता हो कि कौन सा जो एल्गोरिथम है वो किस तरीके से काम कर रहा है। जब हमें ये पता लग जाता है ना वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, तो फिर हम अपने डाटा को देखते हुए डिसीजन मेकिंग हमें आसान हो जाती है कि इसके ऊपर किस टाइप का मैं क्लासिफायर या रिग्रेसर अप्लाई करूंगा तो मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा, और इसकी प्री प्रोसेसिंग में मुझे क्या कुछ करना चाहिए, कौन सा डाटा मुझे ऑन बोर्ड करना चाहिए, किस डाटा को मैं निकाल दूँ वगैरह वगैरह। ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। अब ये सारी बात वादे हो गई है, वो जो भी कंसीडरेशन थे उसमें रैंडम फॉरेस्ट की बात समझ आ गई है ना? यस सर। जो मैंने तीन चार चीजें लिखी हैं उससे उम्मीद है समझ आ गई होगी। ठीक है जी, विद दिस लेट्स कंक्लूड द लेक्चर। असाइनमेंट आपको मिल गई है? क्या मिली असाइनमेंट? ठीक, तो आपको कोड मिलेगा, उस कोड के ऊपर आपने जेंडर को भी इंक्लूड करके आपने कर लेना है और देखना है कि क्या फर्क पड़ता है, और दूसरा आपने ये ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव को अंडरस्टैंड करना है और उसकी मदद से मेजर्स को लिखना है। मैं अभी ईमेल में लिख भी देता हूँ आपको। ठीक हो, ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ख्याल रखे सबके लिए।